हेलो काफी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम संजय है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते शुक्रवार को मेरा भैया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम में मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था, मेरा मालिक भी बहुत तबीयत खराब था उस टाइम। फिर पिता से हम यही विनती प्रार्थना करें कि पिता मेरी मदद कर, मेरा कोई नहीं है। पिता उस टाइम बोला कि ठीक से देख कि कोई क्यों नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर घड़ी दिक्कत परेशानी मुश्किल से बचाने वाला मैं हूँ, तेरे से मुझे पुकार के देख, मुझे बोल के देख। उस टाइम मैं पिता से प्रार्थना किया, विनती किया कि पिता मेरा भैया को स्वस्थ तंदुरुस्त चंगा कर दीजिए। भैया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उस हॉस्पिटल से फिर भैया का बहुत सीरियस कंडीशन था, उस हॉस्पिटल से फिर दूसरा हॉस्पिटल में भैया को एडमिट किया, वहाँ पे भी भैया का सीरियस था, दो तीन तो रिपोर्ट हुआ था। लेकिन पिता बोला तेरे भाई को, तुझे, तेरे परिवार को मैं देखूंगा, मैं संभाल लूंगा। सभी को पिता ने तंदुरुस्त चंगा किया, वह संभाला पिता अपने हाथों से हम लोगों को, हर एक पिता बेटी को पिता ने चंगा कर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर शाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना सर्वप्रथम है तो हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की शैतानी ताकत हमारे जीवन से जाएगी। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएँ हमारे जीवन से आज दूर होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से हमें आज़ाद करेगा। हमें परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम वचनों को भी विश्वास रखते हो और भरोसा रखते हो तो मैं तेरे जीवन में जहाँ कहीं पर भी आप हैं, इस समय जहाँ कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, अपने घर से बाहर हैं या घर में हैं, खुदा आज आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदा आपको सुरक्षित रखेगा। आपके हेल्थ को परमेश्वर मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आप कहीं पर भी रह करके प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस के, आपके कामों में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके हम लूका पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर वह किसी जगह, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही हमें सिखा दो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उनके चेले, यदि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले कह रहे थे कि प्रभु, जिस तरीके यूहन्ना ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी सिखा। यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वैसे आज हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमें कहना है, जब तुम प्रार्थना करो तो हे कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें जो आपने दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने लिए, अपने घर के लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर दिन, वो प्रतिदिन हमें रोटी देता है, प्रतिदिन हमें चंगाई देता है, प्रतिदिन हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से वो हमें छुड़ाता है। हालेलुया, इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है और आखिरी तक आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर हमें दिन भर की जो रोटी होती है वो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमें कभी उदास नहीं देखना चाहता है, ना ही हमारे जीवन में कभी बीमारियों को देखना चाहता है, ना ही कभी हमें संकट में देखना चाहता है। इसलिए जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि आज हम प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं उस खुदा के नाम से, तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की मुसीबत है, उस मुसीबत से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और परमेश्वर हमें बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे कहो और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम भी अपने
हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें भी परीक्षा में न ला। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 5 से लेकर के 13 तक यदि हम यहाँ पे वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें दिखावा नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। यदि हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने मन में, अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करें, दुआ करें। यदि हम किसी दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते हैं, तो हमारी वो प्रार्थना व्यर्थ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा यदि आप दिखावा करते हैं। तो आज हम दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, दुआ नहीं करते हैं। हम अपनी बीमारियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा उन्हें स्थिर रखे। और बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला परमेश्वर आपको है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें खुदा के वचन पर विश्वास और भरोसा है कि हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन 2 में कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी ना बजवा जैसा कपटी सभाओं में और गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, यदि हम जब दान करते हैं, जैसे आज हमारे थैंक्स चैनल के माध्यम से आप दान करते हैं, हमारे कलीसिया में दान करते हैं, तो आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है कि आप अपने प्रतिफल के लिए दे चुके हैं। हालेलुया। आपने जो दान बोया है, आपने जो बीज बोया है, उसमें आपको परमेश्वर फल दे चुका है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में यदि फल पाना चाहते, आशीष पाना चाहते, तो आपके जीवन में आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा दाया हाथ क्या है, बाया हाथ तेरा ना जानने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम चीज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, तो हम अपनी बीमारियों के लिए, अपने समस्याओं के लिए, अपने घर के लिए, अपने हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना के लिए आज्ञा दिए हैं वो हमारे मन में दोबारा ना आए। हालेलुया। जैसे हमने अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना किया, आज्ञा दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में ये चलता रहे कि मेरा प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या नहीं करेगा। यदि आपके मन में ऐसा चलता है तो परमेश्वर आपको कभी भी चंगा नहीं करेगा, कभी भी आपको ब्लेसिंग नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपके मन में खटक रही वो बातें, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपके मन में विश्वास नहीं है, आपके मन में वो भरोसा नहीं बन पा रहा है परमेश्वर के प्रति। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ जो है वो जाने ना पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं, तो हमें भूल जाना है कि मेरे जीवन बीमारियां थी, मेरे जीवन में समस्याएं थी, मेरे जीवन में दुख थी, मेरे जीवन में चिंताएं थी। हालेलुया। इसीलिए जब हम भूल जाते हैं तो आज हमें विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना कर ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर के प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस भरोसे और विश्वास के साथ ग्रहण करना है, ताकि हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन से निकल जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज उनके बच्चों को आपने सुरक्षित रखा, उसके दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए जो आप सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आज अपनी आज्ञा को दीजिए। आज अपने बीमार हर प्रकार के जो आपके अंग है बेटा, उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियाँ इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमजोर समझते हैं पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से, वो दूर हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियाँ हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं और चुना है आपने, तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं, क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक एक बेटी और बेटा चुना है, उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे, ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहां से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर उन्हें घर पहुंचाएं। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है और परेशानियां, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाए प्रभु, मेरे ईश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए
आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर, इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर, इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं इस मसीह के नाम से, उसके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते उसे खोल पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, पूरा होने जा रहा आपके जीवन में, ब्लेसिंग देने जा रहा प्रभु आपके जीवन में, हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल, इसी वक्त निकल इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से, जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हों, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में सही नहीं है तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग पर चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल, इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया, आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है वो सब कुछ दूर होने पाए इसमें से निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता, सब कुछ पूरा होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह, निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है, जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है, और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।